गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी स्टडी हिंदी पार्ट दो, आजाद पक्षी। परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पक्षियों को पिंजरे में बंद रखने की लोगों की धारणा का विरोध करते हुए उनको आजाद रहने देने की सलाह दी है। क्या बोला है कि जो लेखक है वो पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना नहीं चाहते, उन्हें वो उनका विरोध करते हैं, यानी उनके खिलाफ जाते हैं कि हमें पक्षियों को आज़ाद रहने देना चाहिए। उद्देश्य, बच्चों में पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना का विकास करना। उद्देश्य क्या है इस पाठ का, उद्देश्य लेखक का क्या उद्देश्य है कि बच्चों में पक्षियों के प्रति कैसी भावना होना चाहिए, प्रेम की भावना होना चाहिए। जीवन मूल, हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बड़े बड़े थे, कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते, रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते, कई बार तो डर की डर उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हैं कि कौन ऊँचा उड़ता है। लेखक कहते हैं इसमें कि लेखक का घर कैसा है, बहुत बड़ा है, और वहाँ पे जो आसपास की छतें हैं वो कैसी एक दूसरे से सटी हुई है, और मोहल्ले के लड़के छतों पर क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो पतंगों के साथ साथ देखिए पक्षी भी उड़ते दिखाई दे रहे हैं ना। तो लेखक को ये पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं ना। कभी कभी ये पक्षी ऐसे उड़ते हैं जैसे कि एक समूह पूरा पक्षियों का झुंड एक लाइन से जैसा उड़ता है ना, वैसा उड़ता दिखाई देता है ना, और ऐसा लगता है कि वो हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हैं, यानी कि वो हमारी पतंगों के साथ रेस लगा रहे हैं। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते, रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों में मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। जो घरों में कैसा उस समय क्या शौक था कि पक्षियों को पाला जाता था। हर घर में एक एक पिंजरे लटके दिखते थे और उसमें पक्षी कैद रहते थे, और जब पक्षी पिंजरों में कैद रहते तो वो क्या करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पंखों फड़फड़ाते हैं, तो उससे लेखक का जो मन है वो कैसा बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उन्हें कैसे पक्षी अच्छे लगते हैं जो कि आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं, ना कि पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे लगते हैं। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों को की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। जो लेखक रहते हैं उनकी भाभी को भी सभी को देख देख के उनके मन में भी शौक आ जाता है कि मुझे भी एक चिड़िया पालनी चाहिए। वह कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कह रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की कि वे चिड़ियों को ना लाए, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था, मेरी बात कौन सुनता। भाभी चार रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंसकर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंसकर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया हैं, सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। तो क्या करी उनकी भाभी ने, जैसे कि देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको कि उनकी भाभी ने क्या करी है, रंग बिरंगी इसमें चिड़िया लाई और पड़ोस में सभी को दिखाते हैं, तो सभी बहुत खुश होते हैं। सिर्फ कौन दुखी होता है, जो ये लेखक रहते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं। मैंने भाभी से कहा, आप पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं, इन पक्षियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो उन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो, आया है मुझे सिखाने वाला, जाओ छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहा है, तुम भी उड़ाओ। तो क्या करती है उनकी भाभी, इतना लेखक मना करने के बाद भी उनकी भाभी जो रहती है वो पक्षियों को ला लेती है, और लेखक कहते हैं कि आप उन पर अत्याचार मत करिए, उन्हें खुले पर छोड़ दीजिए, पर वह नहीं मानती। तो वो कहती हैं अपने लेखक से कहती हैं कि तुम छोटे मुंह बड़ी बात, क्योंकि वो 8-9 साल का बच्चा और भाभी बड़ी होती है, इसलिए वो कहती हैं कि छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, जाओ आप अपने दोस्तों के साथ जाकर पतंग छत पर उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया, यानी मैं बहुत रोने लग गया, सोचने लगा कि मैं कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूँ, एक दिन मुझे अवसर मिल ही गया। भाभी अपनी
सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे में से होकर बरामदे में गया, पिंजरा का दरवाजा खोला, पक्षी सहम गए, मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। तो क्या होते हैं जो लेखक रहते हैं, देखिए चित्र में लेखक रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके भाभी की लाई वाली चिड़िया वो पिंजरे से उड़ा देते हैं। जब उनको मौका मिलता है तो वह उन सब चिड़ियों को उड़ा देते हैं। और जब भाभी फिर घर लौट कर आती है तो देखिए क्या होता है, भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाई, यानी कि जो भाभी थी वो जैसे घर आई जब देखी कि उनने पिंजरे पर एक भी पक्षी नहीं है तो वो एकदम से चिढ़ गई, गुस्सा हो गई है ना। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। उन्होंने क्या करी, खुद ने भी लेखक के ऊपर क्रोध करी, लेकिन उन्होंने क्या करे उसके बारे में परिवार के सभी सदस्यों से शिकायत की कि इसने मेरी चिड़िया उड़ा दिया, सबको मेरा यह काम अनुचित लगा, सभी ने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आजाद कर बहुत खुशी हुई, काश मैं उन पक्षियों को भी आजाद कर पाता जो अन्य घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में कैद थे। तो आप देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जैसे कि उन्हें इस पाठ में लिखा है कि उन्हें आकाश में उड़ते हुए पक्षी कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, पिंजरों में कैद पक्षी उन्हें अच्छे नहीं लगते। उनका मन होता है कि वो जिनके घरों में बरामदे में पक्षियां कैद दिखते हैं, ऐसा लगता है कि मैं उन सभी पक्षियों को खुले आसमान में उड़ा दूँ। थैंक यू।